अपना नाम बताएंगे आप? साईलाल हीरालाल जी जेडिया। साईलाल हीरालाल जी जेडिया। और कहाँ रहते, कहाँ आजकल आप कहाँ से आए हैं? मैं कामाख्या में रहता हूँ, यानी गुवाहाटी। गुवाहाटी में। और मैं माँ कामाख्या का कवलाचार्य। अच्छा, पहले पंचगिनी में रहा करता था। तो आपने मुझे फोन पे कहा कि आप मुझे कुछ बहुत ही चौंकाने वाली बातें बताना चाहते हैं राजमोहन गांधी जी के बारे में। ये आपको क्यों सूझा मुझे बताना, और क्या ऐसी बात है जिसके लिए आप विशेषकर गुवाहाटी से यहाँ आए और फिर मेरे तक कैसे पहुंचे? गुवाहाटी से मैं दिल्ली इसलिए आया क्योंकि राजमोहन इलेक्शन में खड़े हैं और ये सीआईए से जुड़े हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं इतने? मैं इनको इस उम्र से जानता हूँ। क्या उम्र से? 10 साल की उम्र से। ये मैं हूँ। अच्छा। ये राजमोहन गांधी है। हाँ। ये मेरी बहन है। अच्छा। वो हमसे झूठे पत्र लिखवा रहे हैं पिताजी को कि हम स्कूल में जा रहे हैं। अच्छा। ओके। हालांकि हम स्कूल में नहीं जा रहे हैं, हम थिएटर में जा रहे हैं। ये किताब क्या है? ये किताब मेरे पिताजी ने अपना अनुभव लिखा है राजमोहन गांधी के साथ में। हाँ। जिसको उन्होंने कहा है कि वतन का दुश्मन राजमोहन गांधी। ये किताब छपी थी? जी छपी है। किस साल में? मेरे पास में दिखाइए। और ये राजमोहन का लिखित खत है सिग्नेचर के साथ। हाँ। कि हम सब स्कूल जाते हैं आपके बारे में बुलाए, मतलब आपके पिताजी को लिखा है, झूठे पत्र लिखे है कि हम स्कूल जाते हैं। अच्छा। और हमको उन्होंने कभी स्कूल भेजा नहीं, थिएटर्स में भेजा। और अचानक हमारे पिताजी को सरप्राइज दिया कि हम सब यूरोप जा रहे हैं और आपके बच्चों से हम बहुत बड़ा काम करवा रहे हैं। और पिताजी को भी ले गए। ये किताब का जरा शीर्षक दिखाई। और ये मुझे पहले, ये बाकी चीजें बताने से पहले कृपया आप मुझे बताएंगे कि आपके पिताजी का क्या संपर्क था राजमोहन गांधी के साथ? मेरे पिताजी स्वतंत्र सेनानी थे और उनके साथ में बापू साहब उंबरकर भी स्वतंत्र सेनानी थे, लेट बापू साहब उंबरकर। वो दोनों मिलकर के बापूजी की सेवा करते थे। अच्छा। तो उनके पंचगनी में ही रहते थे? तो बापूजी बाता स्कूल में आते थे पंचगनी में, और तब से उनके दिल में एक ईश्वर की जैसी मोहब्बत बापू के लिए थी। 65 में राजमोहन गांधी आए पंचगनी और वहाँ पे कुछ एमआरए कैंप निर्माण किया था तब से। अच्छा, एक मिनट, तो आप बता रहे थे आपके पिताजी और बापू अंबरकर साथ गांधी के सेवा किया करते थे। तो बापू जी ने उनसे मोहब्बत में कहा कि हीरालाल जी, आपकी सेवा, आपकी देशभक्ति से मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं भी कुछ दूं आपको। तो उन्होंने एक खत लिख करके उनको दिया कि आपके जब बच्चे बड़े होंगे तो मैं उनकी पढ़ाई लिखाई का जिम्मेदारी करूंगा, मैं उनको कुछ आगे बढ़ाना चाहूंगा। तो ये डिस्कशन राजमोहन से उनका हो रहा था क्योंकि अपना। अच्छा, वो बता रहे थे जब 65 में आए राजमोहन। हाँ, एक दूसरे का परिचय वो कर रहे थे। वो मेरे पिताजी उनको कह रहे थे कि यू नो हाउ कनेक्टेड वो बापू जी से थे, और ये सब मोहब्बत की बात है क्योंकि उनके दिल में एक ऐसी भावना प्रकट हुई कि राजमोहन महात्मा गांधी का ग्रैंडसन आया है, यू नो, सो दैट काइंड ऑफ फीलिंग। यहाँ पे राजमोहन ने वो चीज बड़े क्विकली एक्सेप्ट किया और कहा नहीं, हम पूरा करेंगे हमारे दादाजी का स्वप्न। हालांकि हमारे पिताजी हमको पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं कर रही की थी। एंड राजमोहन ने फिर पिताजी से हमको और हमारी दो बहनों को, दोनों बहनें ले ली जी, तीन बच्चे कि हम इनको बापूजी का सपना पूरा करेंगे, और हमें मुंबई ले गए। मुंबई लेकर के फ्रेमरोज कोर्ट मरीन लाइंस में, फ्रेमरोज कोर्ट मरीन लाइंस में वहां पे हम रह रहे थे राजमोहन के साथ में। तो मैं राजमोहन के कमरे में रहा करता था। तो हमको कहा था कि आप हमको पिताजी कहिए क्योंकि ये रिलेशन है हमारे। तो प्रथम अनुभव मेरा ये हुआ कि मैं साईं बाबा की पूजा करता था क्योंकि मैं साईं बाबा का मन्नत से माँ बाप ने मुझे मांगा था, इसलिए मेरा नाम साईं लाल है। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस ये अजीब सा, राजमोहन मुझे कहने लगे
आप किसकी पूजा कर रहे हो? तो मैंने कहा साईं बाबा की। नो नो नहीं नहीं, ये आपको जीसस की पूजा करनी है। क्या आप ये कहाँ से आ गया? राजमोहन से आ गया। हाँ। मुझे तो मैंने कहा मैं साईं बाबा की पूजा करूंगा, मैं जीसस, सो ही सेड, ही गिव मी एन एग्जांपल। एक मेडिसिन होता है, जब वो एक्सपायर हो जाती है तो उसको हम फेंक देते हैं, वो पॉइजन हो जाता है, फिर एक नई मेडिसिन आती है, उसकी एक्सपायरी डेट, उसका एक इरा होता है। ये सिलसिला है हिंदू धर्म का। हिंदू धर्म के जितने भी देवता है एक्सपायर हो चुके, अब नया देवता है जीसस, और उन्होंने घुटने टेक करके मुझे कैसे पूजा करनी है ये सारा फर्स्ट। खुद तो ईसाई नहीं है, अगर नहीं होता तो मुझे ईसाई बनाने की क्यों क्या जरूरत थी उसको। मैंने कुछ आर्ग्यूमेंट्स किए नहीं, मैं खामोशी से उस उनकी मन रखने के लिए मैंने जीसस का नाम लिया। उन्होंने मुझे ऐसे क्रॉस करके, उन्होंने नील डाउन करके प्रार्थना सिखाई, मगर मेरे दिल में तो मैं बाबा को ही पूजा कर रहा था, शिरडी साई बाबा का। उसके बाद हम इस भावना से आए थे कि हम स्कूल जाएंगे, तो थिएटर्स में भेजा हमको, वहां पे कुछ ड्रामास वगैरह सिखाने लग गए हमको, और पिताजी को खत लिखवाते, खत लिखते थे छोटे छोटे खत इस प्रकार कि हम आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ये उनकी साइन की हुई लेटर है, फ्रेमरस कोर्ट का एड्रेस है उस पे। और हमको थिएटर भेज करके कुछ ड्रामास वगैरह सिखा रहे थे, और फिर अचानक विदेश का टूर उन्होंने निर्माण किया, और पिताजी को भी सरप्राइज करके आप भी आना है, देश का बहुत बड़ा काम करना है, और यूरोप में फिर इस प्रकार से हमारा प्रदर्शन किया। जहां मैं क्या कर रहे हैं आप? मैं भीख मांग रहा हूँ। क्या? फटे हुए कपड़े में। क्यों? क्योंकि राजमोहन ने हमको कहा कि ऐसा स्पीच देना है स्टेज पे कि राजमोहन गांधी ये गरीबों के लिए, दलितों के लिए कॉलेज बना रहे हैं, और उसके लिए ये शो हो रहा है। और फिर इसके बाद मैं, मुझे एक टोकरी दी जाती थी, खाली टोकरी, और मैं सीट सीट पे जाकर के उन पैसे मांगता। तो फिर पिताजी को कुछ दूसरे काम में लगाया, उनको कुछ नेताओं से मिलना, कुछ यूनियन लीडर्स से मिलना वगैरह वगैरह, हम कहीं और वो कहीं और। स्कॉटलैंड में मुझे बैप्टाइज किया राजमोहन ने, स्कॉटलैंड में एक चर्च में मुझे बैप्टाइज किया, और ये सारी एक आध्यात्मिक घाव जैसा आज मैं महसूस कर रहा हूँ, उस टाइम पे तो चलता रहा सफर। फिर जब हम वापस आए हिंदुस्तान, तो पिताजी ने कहा राजमोहन से कि ओके, अब तो आपने काफी इकट्ठा किया पैसा, कॉलेज बनाने के लिए आपने ये सब मेरे बच्चों का इस्तेमाल किया, 60 डेलीगेशन थे उसमें, बहुत से लोग थे, और अब इमारत भी बन चुकी है। कहाँ इमारत? क्या पंचगिनी में इन्होंने बनाया? हाँ, उसका नाम उन्होंने एशिया पे प्लेटो रखा है, जो कि एमआरए का एशिया का हेडक्वार्टर है, और इमारत बन चुकी है, अब कॉलेज बनाई है गरीबों के लिए। तो राजमोहन ने कहा हीरालाल जी, पहले आप निकेटू इरलू। क्या? निकेटू इरलू। हाँ। फिजो का भतीजा। हाँ। जिसने सेपरेटिस्ट मूवमेंट शुरू की थी नागालैंड के लिए, और जो कॉफिन में एस्केप कर गया था लंदन, तो उसका ये भतीजा है निकेटू इरलू, ये मैं हूँ, ये राष्ट्रपति जी है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसके साथ में पिताजी से कहा कि आप इसके साथ काम कीजिए, पहले नागालैंड को भारत से अलग कीजिए। क्यों क्यों अलग करना चाहते हैं भारत से? वो हर राष्ट्र को तोड़ना चाहते हैं भारत से, मिजोरम, नागालैंड, तमिलनाडु, श्रीलंका। यस यस, दे आर प्रमोटिंग सेपरेटिस्ट मूवमेंट। ये ही खेल, ये काम है अमेरिका का, उन्होंने सोवियत रशिया से क्या किया। नहीं तो राजमोहन ऐसे कैसे इस कामों में फंस गए? एमआरए की वजह से? एमआरए की वजह से नहीं, ग्रीड की वजह से, स्वार्थ की वजह से। हमारी राजनीति में नेहरू जी ने रशिया से दोस्ती की, अमेरिका से क्यों नहीं की? हालांकि वो कैपिटलिस्ट विचारिस्ट थे, उनके तो कपड़े पेरिस में जाते थे लॉन्ड्री के लिए,
क्योंकि अमेरिका ये ब्रिटिश लोगों से बाहर निकले हुए प्यूरिटन्स है, गुलाम को कभी राजा बनने नहीं देगा, तो उन्होंने कम्युनिस्ट रशिया से दोस्ती की, देश के हित में की होगी उस वक्त। उस टाइम से अमेरिका का एक ही खेल था सीआईए एफबीआई का कि जो कांग्रेस रशिया से जुड़ी है वो खत्म करो। पर कहां खत्म हुई? खत्म करने की कोशिश तो की और अमेरिका का कांग्रेस लाओ। ये अमेरिकन कांग्रेस बनाने के लिए आम आदमी पार्टी का निर्माण किया है। आम आदमी पार्टी राहुल गांधी के खिलाफ क्यों नहीं बोलती है? क्योंकि कल जब कांग्रेस को वोट्स चाहिए होगा, अलायंस चाहिए होगा, तो ये कहेंगे कि हमने तो आपके खिलाफ में कभी कुछ बोला नहीं। और एक मिनट, यही इन्फिल्ट्रेशन है सीआईए का, सीआईए कांग्रेस इन द कांग्रेस ऑफ रशिया कांग्रेस। राजीव गांधी तक लास्ट रशियन कनेक्शन था, राजीव गांधी के वक्त भी अमेरिका ने राजमोहन गांधी को खड़ा किया था उसका उसके खिलाफ, उनके खिलाफ में अमेठी में। हाँ, सही बात है। ओके, क्यों? क्योंकि वो चाहते थे रशियन कांग्रेस खत्म हो और अमेरिकन कांग्रेस आए। और जब वो राजनीतिक पद्धति से नहीं हारे, क्योंकि हम वहां गए थे अमेठी में, राजमोहन का हमने प्रचार किया था, हमने ये नहीं कहा था कि राजीव को जिता, हमने ये कहा था कि राजमोहन देशद्रोही है। अच्छा, आप उनके खिलाफ करने गए थे? हम वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में गए थे, मेरे पिताजी और हम गए थे, और वहां पे हमने प्रचार किया राजमोहन के खिलाफ। जब राजमोहन को पता चला हम आए, मुझे तो वो बाद में नजर भी नहीं आया। अच्छा, ये बताओ, फिर बताओ, अब आप वहां हैं। एक मिनट, पहले ये खत्म करते हैं। जब कांग्रेस, रशियन कांग्रेस नहीं खत्म हो चुका, हो पाया पॉलिटिक्स से, उनका असैसिनेशन करवाया एलटीटी से। दिस इज वेरी सीरियस। और आज गवर्नमेंट में उनको, कांग्रेस में उनको रशियन फ्लश आउट करना है कनेक्शन, और अमेरिकन कनेक्शन लाना है। ये पॉलिटिकल पार्टी राजमोहन ने सीआईए के साथ में, एमआरए ने आम आदमी पार्टी निर्माण की। आपको कैसे पता ये शुरू में से? बताता हूँ धीरे धीरे, जस्ट लिसन टू मी केयरफुली, क्योंकि लिंक टूट जाएगा मेरा विचार भी। राजमोहन को इतने लेट क्यों लाया? क्यों लाया? कुछ लोग अलग होते हैं पलभर के लिए, फिर आ जाते हैं, फिर दूर हो जाते हैं। ये खेल हम बचपन से देख रहे हैं इनका, सीआईए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स किस प्रकार होती है, मैं 10 साल की उम्र से देख रहा हूं। कितने साल तक आप राजमोहन के साथ रहे और कैसे आपका उनके साथ अलगाव कैसे आया? अलगाव इसलिए आया क्योंकि जब उन्होंने, मेरे पिताजी ने उससे कहा कि अब कॉलेज बनाओ, बिल्डिंग बन चुकी है, तब राजमोहन ने उनसे कहा कि यू गो विद निकेटू टू नागालैंड, नागालैंड को अलग करो, दलितों को 5 साल में क्रिश्चियन बनाओ, और नागालैंड के बाद में जितने भी स्टेट्स हैं उनको अलग करने के काम में जुड़ो, मैं कॉलेज बनाऊंगा। तो मेरे पिताजी ने उनको कहा कि ना तो मैं ये करूंगा ना तेरे को करने दूंगा, आई विल नॉट अलाउ यू टू डू इंटरनेशनल वर्क। और फिर ये वतन का दुश्मन राजमोहन गांधी किताब लिखी और हम अलग हुए उनसे। और किस साल की उम्र में थे आप? मैं 10 साल की उम्र में था। नहीं, 10 साल की उम्र में तो गए उनके साथ, कितने साल उनके साथ रहे आप? हम उनके साथ में 1 साल रहे बस। हाँ, और 1 साल काफी था, जिंदगी, देश की जिंदगी बर्बाद होते हुए देखने के लिए 1 साल काफी था हमारे लिए। तो आपने और क्या क्या बोला? आपके पिता ने राजमोहन जी को जब देश का दुश्मन कहा, और क्या क्या बातें उजागर आई हैं? जैसे राजमोहन की ये पब्लिकेशन है ब्रिटेन में, वी वॉन्ट ब्रिटेन बैक विद अ डिफरेंस। ये एमआरए की है, उसकी पत्नी, उसकी पत्नी का नाम है, यहाँ क्या नाम है, उषा चंदीराम ने ये किया है। उषा चंदीराम के पिताजी ने उस पर केस किया था कि दो कम उम्र की लड़कियों को ये भगा ले गया है, जानकी वर्धन और उषा चंदीराम। फिर बेंगलोर में केस भी चली थी, एयरपोर्ट से राजमोहन को सीबीआई ने रोक भी लिया था, अरेस्ट भी किया था हमें यूरोप जाने के वक्त। और फिर उसी लड़की को इन्होंने राखी बांधी थी राजमोहन को, ये हमारे भाई है, उसी से इन्होंने शादी की, उषा चंदीरा, उसने पब्लिकेशन किया है ये। सो इट्स अ वेरी, आई वांट टू टेल यू समथिंग मोर वेरी सीरियस। 1955 में एमआरए को, एमआरए मूवमेंट को अमेरिका ने एयरफोर्स प्लेन्स दिए थे वर्ल्ड टूर के लिए, इसी, और सारे एमपीज ने साइन करके दिया था कि इनको ये एयरफोर्स प्लेन की आवश्यकता है, ये अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे डिफेंस मिनिस्टर, मुझे डिफेंस मिनिस्टर एक हेलीकॉप्टर देंगे जब तक मैं कुछ रॉ के लिए काम नहीं कर रहा हूं, या यू नो, नोबडी गिव्स एयरफोर्स प्लेन्स टू एनीबडी।
और एमआरए को एयरफोर्स का प्लेन दिया गया। ये उनके लिटरेचर से हमने इसमें जेरोक्स किया है जिसमें वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि उनको क्यों एयरफोर्स का प्लेन, हाँ हाँ क्यों एयरफोर्स का प्लेन मिला है 1955 में। और तो यस ये कनेक्शन क्या है एयरफोर्स के, अमेरिका अपनी एयरफोर्स की प्लेन्स किसी को देगी? ये किस पब्लिकेशन से लिया आपने? एमआरए की पब्लिकेशन। अच्छा, तो अभी एमआरए का हेडक्वार्टर कौन चला रहा है? राजमोहन गांधी जब एक्सपोज हुआ 89 में, तो हो सकता है कि ऑफिशियली उनका रिकॉर्ड पे नाम उन्होंने निकाल लिया हो। आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि मुझे उनसे व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है कि मेरे दिल में उसकी उनके लिए नफरत है। मेरे दिल में उनके लिए ये भावना है कि ये भटक गए हैं राजनीतिक कारण से। आखिरी सांस में देश से माफी मांगना चाहिए। और मैं दीक्षित हूं, कमलाचार्य हूं, मैं विदेशी लोगों को भी दीक्षा देता हूं। पहले उनको विश्व हिंदू परिषद में हिंदू बनाता हूं, गुवाहाटी के विश्व हिंदू परिषद के ओके। तो राजमोहन गांधी का भी शुद्धिकरण होना चाहिए और देश में वो माफी मांगना चाहिए कि जो भी किया है। आई थिंक दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। आपकी आपकी अगर संस्थाएं हैं जो वीएचपी की, ये क्यों नहीं उठा रहे ये सवाल? कभी इन्होंने नहीं उठाया। वीएचपी ने कभी क्रिश्चियंस के खिलाफ में बोला है? नहीं। क्यों? ये सवाल आप लोग दीजिए, मैं दूंगा तो मेरे पे नाराज हो जाएंगे सर। फिर भी बताइए ना, हम तो सोचते हैं वो मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे, सबके खिलाफ बोलेंगे। मदर टेरेसा ने दलितों को क्रिश्चियन बनाया, क्या किया इन लोगों ने? दलित क्रिश्चियन होते हैं क्या? एक क्रिश्चियन बन जाता है तो दलित क्रिश्चियन हो जाता है। ये मदर टेरेसा की राजनीति वीएचपी अपोज नहीं कर सके। आई डोंट वांट टू क्वेश्चन देम एट द मोमेंट, क्योंकि विषय कुछ अलग है अभी फिलहाल। ये एमआरए के हेडक्वार्टर में ये जो कॉलिन गोंसाल्विस वगैरह का जो शायद कॉन्फ्रेंस भी होती है इनकी एनजीओस के, यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस होती है सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स की, यहाँ पे आतंकवादियों को इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग दिया जाता है। कौन किस किस किस्म के ग्रुप्स आते हैं? बहुत किस्म के ग्रुप्स। फिर भी बहुत किस्म के ग्रुप्स आते हैं। नाम दीजिए। देयर इज नो रिलीजन, देयर इज आतंकवाद हैज नो रिलीजन। आई मीन व्हाट डू यू नो व्हिच आर द, एक्सक्यूज मी सर, आप मुझे, आप कह रहे हैं ना ट्रेनिंग दी जाती है इंटेलेक्चुअल, तो नाम तो बताइए कौन कौन से संस्थाएं आई हैं जिन्होंने, नागालैंड का जो कौन नागालैंड का गोरिल्ला वॉरफेयर का ट्रेनिंग तो वहीं पे निकेट वीरेलू, यू नो हमने ये अपने आंखों से देखा है। और इसमें तो कोई शक है नहीं मुझे। और देन द तमिल एलसीसी, यस विजिताई अप्पा श्रीलंका के बहुत बड़े एक्टिविस्ट इनके साथ में थे। और आई हैव सीन सर्टेन थिंग्स जिससे मुझे कोई अगर माने ना माने, अब जैसे आपका ये जो एनजीओ वर्ल्ड है वो भी वहाँ इस्तेमाल करता है, कुछ एनजीओ वगैरह भी करते हैं, बहुत से लोग आते हैं आजकल तो उनकी बुकिंग लिस्ट निकाली। हाँ आजकल तो पंचगनी की स्कूल्स भी जाती है, क्योंकि देखिए जब फॉर एग्जाम्पल ये बिन लादेन के लोग ड्रग्स बेचा करते थे, हेरोइन और हशीश बेचा करते थे अमेरिका के साथ में, ऐसी और उसके विरुद्ध में उनको हथियार मिलते थे रूस के साथ में लड़ने के लिए, तो ड्रग्स का स्मेल नहीं आए इसलिए हनी का एक बिजनेस था उसका, हनी का स्ट्रांग ज्यादा स्मेल आता था। तो जो देशद्रोह काम करते हैं वो कुछ अच्छा काम पहले तो अच्छा दिखाते हैं, उसके पर्दे के पीछे वो जो करते हैं उस विषय की बात मैं आपसे कर रहा हूं। जो दिख रहा है वो जो हाथी के दांत अलग होते हैं दिखने वाले बहुत सुंदर, खाने के दांत अलग हैं। आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग दिस टू द नोटिस ऑफ माय ब्रदर्स इन इंडिया कि आप अंदर की बात को समझो,